अस्सलाम वालेकुम जी, सेफ सिटी टीवी के साथ मैं हूं सुबैर शारिक। उम्मीद करता हूं आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम पंजाब पुलिस की उस फोर्स का जिक्र करने जा रहे हैं जिस फोर्स को इश्तियाल अंगेज़ मुजाहिरीन की रोकथाम और उनको संभालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस फोर्स का नाम एंटी रॉइट फोर्स है और ये फोर्स 2017 मार्च में वजूद में आई। और इस फोर्स का वजूद में आने का मकसद सिर्फ ये था कि जब मुजाहिरीन किसी भी जलसे में या किसी भी प्रोटेस्ट में बाहर निकलते हैं और आपे से बाहर हो जाते हैं, उस सूरत में जो सरकारी प्रॉपर्टी होती है उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं, अवामुन्नास को, मासूम लोगों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं अपने मकासद के लिए, तो उस सूरत में ये फोर्स ख़ास तौर पर ट्रेन की गई है उन लोगों से निपटने के लिए। आइए हम इन फोर्स से जानते हैं कि ये उस सिचुएशन में कैसे चीज़ों को डील करते हैं। जी नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं एंटी राइट फोर्स के जवानों के साथ। आइए इनसे पूछते हैं कि इस फोर्स में रहकर इनको किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ एक जवान मौजूद हैं, मज़ीद और भी गुफ्तगू करेंगे लोगों के साथ। सबसे पहले इनसे पूछते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल चाल है? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र सर। अच्छा, मैं ठीक ठाक, शुक्रिया। अच्छा मुझे ये बताइए कि किन आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है कि जब आप किसी भी मुजाहरे को रोकने के लिए जाते हैं? सर, ये एक ARF यूनिट है। इस यूनिट का मेन मकसद जुलूस, धरना जो इस शक्ल में या सरकारी इमारत को नुकसान पहुँचाते हैं लोग, उन लोगों को रोकने के लिए हम यहाँ लैंड से रवाना होते हैं और ये हमारा सामान एंट्री ये मुकम्मल पहन कर उन हमें जद्दोजहद करके रोकते हैं। और नौजवान यहाँ मौजूद हैं, उन नौजवानों से भी पूछते हैं, इन भाई से पूछते हैं। अच्छा मुझे सबसे पहले तो ये बताइए आप कि ये जो गन है जी ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है? ये अगर कोई मजमा खिलाफ़ कानून बैठा हुआ है उनमें से अब जैसे वो मजमे को लीडर जैसे लीडर कर रहे होते हैं, उनकी निशानदही करने के लिए, उनको मुंतखब करने के लिए कि हम उसे आसानी से पकड़ सकें, आसानी से उसे अरेस्ट कर सकें, ये उसके लिए है ये गन। ये गन इसमें है क्या क्या? इसके बीच में सबसे पहले ये पेंट बॉल है, ये इसके साथ इसमें कलर है, ये सही, कलर सही, जी, सही, 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 ये उसका उसके ऊपर कलर लगाएगी जाके उसे मुंतखब करने के लिए ये है। और दूसरा मेरे पास ये ओसी गैस है, ये है टीयर गैस ये आंसू वगैरह निकालते हैं। ये दोनों चीजें जो है इसके अंदर डाल के चलाई जाती हैं, ये मुजाहिरीन जो मुजाहरा कर रहे हैं उन्हें जगह से पीछे हट जी 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 ये मुंतखब करने के लिए ये गन ज्यादा अच्छा 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 इधर उधर करने के लिए लोगों को, उनकी जगह से टारगेट से उनको हटाने के लिए, ठीक हो गया। तो ये तकलीफ दे अमल है ये, अगर आप पेंट बॉल मारते हैं तो किस हद तक जाके जोर का लगता है? ये ज्यादा तकलीफ सिर्फ आंखों को और ये बॉडी के ये उन हिस्से को जो वो नंगे हैं, जो मतलब जहाँ पे कपड़ा वगैरह नहीं है, ये यहाँ पे इफेक्ट ज्यादा करती है, यहाँ पे इफेक्ट ज्यादा करता है। सही हो गया। आइए और लोगों से पूछते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? ठीक है आप? अच्छा ये आपने जो हाथ में पकड़ा हुआ है ये स्टिक साइज से क्या कहते हैं और ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल? ये बटन है और जो लोग या हजूम खलल पैदा करते हैं या तोड़ फोड़ करने की कोशिश करते हैं ये आर्जी तौर पर उसको तकलीफ देता है, जरा ऊपर कीजिए, ऊपर कीजिए, मजबूर हो जाता है। ये किस चीज़ का बना हुआ है? ऐसे भी उसके ऊपर तो उन्होंने रबर लगाया हुआ है। ये आरजी तकलीफ के लिए होता है, आरजी तकलीफ के लिए, जाने नुकसान नहीं होता, जाने नुकसान नहीं होता, लेकिन ये लगता तो होगा जब मारते हैं। जी लगता। सही कह रहे हैं आप, सही हो गया। आइए नाज़रीन और लोगों से पूछते हैं जहाँ नौजवान जहाँ खड़े हुए हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है आप? अच्छा मुझे आप ये बताइए कि ये जो है ये जो आपने थामी हुई हाथ में, इसका क्या मकसद है और ये किस लिए इस्तेमाल की जाती है? ये अपने आप को बचाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, जहाँ पे मजमा है उसमें जो तशद्दुद हो रहा है वहाँ पे मैं पहुँचने के लिए, और इसको इस्तेमाल किया जाता है कि चोट न लगे या किसी को पथराव हो रहा होता है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल किया। अच्छा, अगर ख़ुद को बचाने के लिए भी और लोगों के मतलब कि अगर पथराव करते हैं, ईंटें मारते हैं, पत्थर, कंकरियाँ जो भी मारते हैं, इससे आप खुद को बचाते हैं और लोगों को भी रोकते हैं कि वो एक जगह पर जाके रुक जाएँ, ये मतलब एक शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जी, सही हो गया, सही हो गया, बहुत शुक्रिया जी आपका। अच्छा जी, आइए और चलिए और देखते हैं किससे हम पूछ सकते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हैं आप? जी सर, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि इस फोर्स में आने के लिए क्या ऐसा जज्बा था जिसने आपको मजबूर किया कि आप इसी फोर्स का इंतखाब करें?
हमने सर ये मजमा खिलाफ कानून के लिए फोर्स बनाई गई। सही। तो इसमें देखा गया कि हर किसी इंसान को जो पुरजोश हो दूसरों को मुखालफत करने के रोकने के लिए, तो हमने सोचा कि हम एंटी राइड में जाएं, अपने दूसरे भाइयों को जो मजमे खिलाफ हों उनको रोकें ताकि वो हुकूमत या किसी भी इमारत को नुकसान पहुँचाने से बाज आ जाए। जी नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आईजी पंजाब के वीएन के अकॉर्डिंगली ये एंटी राइट फोर्स जो है वो किस तरह से काम कर रही है और ये कैसे दूसरी फोर्सेस से जो है वो मुमताज़ है, मतलब कि अलग है। मज़ीद इसकी टेक्निकलिटीज़ और स्पेशलिटीज़ जानने के लिए हमारे पास जो हैं इनके ट्रेनर मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। जी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी? अलहमदुलिल्लाह जी। क्या इनकी स्पेशलिटीज़ हैं मज़ीद और जो आप बताना चाहेंगे हमें? जी ये स्पेशल फोर्स बनी है, एंटी राइड, जदीद एंटी राइड फोर्स बनी है, टर्की के तावन से बनी है। ये 2016 में गवर्नमेंट पंजाब गवर्नमेंट ने हमें टर्की भेजा, इस्तांबुल में हमने ट्रेनिंग की, वहाँ से वापस आके फिर हमने यहाँ से 1000 के करीब जो है ना वो लड़कों को ट्रेन किया पहले। उससे फिर हमने ये असल में इसकी ज़रूरत पेश आई जब मॉडल टाउन का वकूआ सानिया हुआ, उसके बाद इसकी ज़्यादा जो है ना वो शिद्दत से ज़रूरत महसूस की गई कि इंटरनेशनल लेवल की एक फ़ोर्स ऐसी होनी चाहिए जो लॉ एंड आर्डर को कंट्रोल करे। तो उसके बाद फिर हमने आके इनको ट्रेनिंग की। अब आप देख रहे हैं इनके पास जो है ना, हमारे पास सारे जो नॉन लिथल वेपन होते हैं, हमारे दो चीज़ें हैं मेन, एक हमारी होती है बॉडी पावर है, मटीरियल पावर है। दूसरी जो है बॉडी पावर ये है जिसमें हमारे पास ये सारा सामान है, जिसमें ये ट्रांसपेरेंट लॉन्ग शील्ड है, बैटन है, ये रोबोकॉप जैकेट है, हेलमेट है, शिन गार्ड है। सही होगी। ये हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास मटेरियल है। सही। ठीक है। ये हम इसको जो फार्मेशंस, मुख्तलिफ फार्मेशंस से हम जो है ना वो मॉब को डील करते हैं, जिस तरह का मॉब होगा उसी तरह के हम जो फार्मेशन है वो बनाएंगे और उनको टैकल करेंगे। अगर पूरा अमन मजमा है तो उसको हम लाइन फार्मेशन से जो है ना रोकेंगे। उसके साथ हमारे पास होता है ये पेपर स्प्रे होता है, वो हम पेपर स्प्रे करते हैं, मिर्चों का महलूल होता है, उसमें गैस भी होती है, उसी गैस होती है साथ में। तो अगर वायलेंट मॉब है वो पथराव करेगा, उसको हम जो है ना वो अपने रूफ फॉर्मेशन से सबसे पहले अपनी प्रोटेक्शन करेंगे, उसके बाद हमारे फोर्स के पास जो है नॉन लिथल वेपन्स हैं। एहसान उलग साहब, मुझे ये बताएं कि कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि मुजाहिरीन की तरफ से कोई ऐसी चीज़ आ कि जो है हमारे जवानों को लग गई है, फोर्स के जवानों को लग गई और ये ज़ख्मी हो गए, तो उस सूरत में जो है वो क्या रद्द अमल इख्तियार किया जाता है? वो रद्द अमल ये है कि सबसे पहले हमने ये जो सामान पहना है इससे अगर कोई हम पे हमला करता भी है, कोई पथराव करता है, कुछ चीज़ें दूर से फेंकते भी हैं, तो उससे हम प्रोटेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास ये शील्ड है, इसे हम रूफ़ बना लेते हैं। रूफ़ का मतलब छत बन जाती है और सारे उसके नीचे आ जाते हैं। अगर फिर भी ये टूट जाती है, लग जाती है, तो हमारे पास फर्स्ट एड वाले जवान इनके अंदर शामिल होते हैं। अच्छा, इनके अंदर ही शामिल है? जी जी, एक एक फर्स्ट एड वाला जो है ना हमारे इनके साथ होता है। सही। हर जो ग्रुप है उसके साथ एक फर्स्ट एड वाला, अगर किसी को आएगा उसको ट्रेनिंग की है, ये 1122 से करवाई हुई है। सही। और ये रेड क्रिसेंट से, ये हमने मुख्तलिफ कोर्सेज करवाए हैं उनको, फर्स्ट एड को जी जी फर्स्ट एड कोर्सेज करवाए हुए हैं, वो इनके साथ होते हैं। अगर खुदा ना खासा मजमे को डील करते हुए, ये नहीं है कि सिर्फ फोर्स का मेंबर, अगर मजमे का कोई बंदा भी जख्मी हो जाता है तो उसको भी जो है ना वो लड़के फर्स्ट एड देंगे फौरी। सही। फर्स्ट एड किट्स हमारे पास मौजूद होती हैं, उसमें सारा सामान है, तो वो हम फौरी जो है ना उनको वो भी करते हैं। तो सबसे बेहतरीन बात आपने बताई है कि फर्स्ट एड का जो है वो जवान भी इनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है इस फोर्स में मौजूद है, कि खुदा ना खास्ता अगर ये जख्मी हो जाएँ तो ये फिल वक्त फौरन जो है इनकी जो है वो मरम पट्टी कर दी जाए। जी, इनकी भी मरम पट्टी होती है और मजमे में अगर कोई हो जाता है उसको भी होती है, उसकी भी मरम पट्टी। हमारे पास होते हैं नॉन लिथल वेपन। नॉन लिथल वेपन वो है कि जिससे आप गैर मुहलक हथियार हैं, जिससे किसी की जान नहीं जाती। सही। आर्जी तकलीफ में मुबतला करके हम अपना पर्पस हासिल करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेनटेन करते हैं, तो उसके बाद दोबारा जो है ना वो बंदा ठीक हो जाता है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जी। जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ इनके स्पेशलाइज ट्रेनर, जिन्होंने हमें टेक्निकलिटीज़ और स्पेशलिटीज़ के बारे में बताया और ये भी बताया कि एक फ़र्स्ट स्टेट का भी नौजवान जो है वो मौजूद होता है इसी रॉयड के अंदर, और खुदा न खास्ता अगर ये ज़ख्मी हो जाते हैं, इनको लग जाती है मुजाहिरीन की तरफ से जो पथराव करते हैं, जो भी चीज़ फेंकते हैं इनकी तरफ, तो उस वक्त वो नौजवान जो है इनकी केयर के लिए शामिल है, बिल्कुल शामिल। और इसके साथ साथ मैं आपको वो फ़र्स्ट एड बैग भी दिखाता चलूँ जो उस वक्त इन नौजवानों के पास
वो जो एक नौजवान है जो इस मॉब में मौजूद होता है उसके पास लाजमी होता है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस फर्स्ट एड बैग के अंदर जो हैं तमाम की तमाम तिब्बी अद्वियात रखी गई हैं और वो तमाम सामान जो है वो शामिल है जिसकी वजह से दूसरे को क्योर किया जा सकता है, किसी ज़ख्मी को क्योर किया जा सकता है, चाहे वो हमारी एंटी राइट फोर्स का जवान हो या कोई आम बंदा हो या कोई पासर बाय हो। फिर जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं RI एंटी रॉयड फोर्स, आइए इनसे जानते हैं और मुख्तलिफ सवालों का जवाब लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अरे सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि इस फोर्स को मौके पे डिप्लॉय कौन करता है? ये फोर्स जो है जहाँ लाहौर में कहीं भी जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होती है तो SP साहब सिक्योरिटी लाहौर जो हैं वो सबसे पहले उनके नोटिस में होता है कि कहाँ पे कोई प्रोटेस्ट होने जा रहा है या अचानक कोई लोग जो हैं वो जमा हो गए हैं, तो उनके हुक्म के तहत जो है वो हमें ऑर्डर मिलता है यहाँ से मूव करने। SP सिक्योरिटी की ऑर्डर से जो है आपको आप लोग मूव करते हैं इस फोर्स को लेकर? जी ठीक है। और इसके बाद जो है वो मौके पर जहाँ मुजाहरा हो रहा है उस वक्त जो है सबसे सीनियर इनके साथ कौन होता है जो इनको डायरेक्शन दे रहा हो? एंटी राइड फोर्स जो है वो एक्चुअली चूँकि प्रोफेशनली लॉ एंड ऑर्डर को डील कर रही होती है, लेकिन जो जहाँ पे ये मॉब इकट्ठा होता है जहाँ पे एहतजाज हो रहा होता है वो चूँकि मुतलका जो डिवीजनल SHOs हैं या STPOs हैं या SP साहब हैं, चूँकि वो उस तमाम हालातों वाक़ात को जानते होते हैं और वैसे भी हमारा जो ज़ाबता है वो भी उनको इख्तियार देता है कि वो मौके पर इनको सुपरवाइज़ करते हैं, ऑर्डर देते हैं। किस मौके पर क्या डिसीजन लेना है ये कौन बताता है? ये भी वहाँ पे जो मौके पे मौजूद जो SP साहब हैं या SHO से अबाव जो भी अफसरान हैं वो डिसीजन लेते हैं। ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जब आपका जवान जो है या आपके जवानों का दस्ता ये कहेंगे तो ज़्यादा ठीक होगा, SHO की हदूद से दूर हो जाता है, SHO इनसे रबता नहीं कर पाता, तो उस सूरत में अगर हंगामी माहौल चल रहा है तब इनके लिए क्या ऑर्डर्स हैं? पहले से ऑर्डर्स तो इनका दिमाग तो बनाते होंगे ना कि ऐसी सिचुएशन आ जाए तो क्या किया जाए अगर हम मौजूद नहीं हैं, तो किस तरह से बचाव करना? जी मैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर देता हूँ कि हमारा जो कुछ ऐसे एक्शंस हैं जो डिफेंसिव हैं, सही, जिसमें इनकी तमाम ट्रेनिंग होती है कि अगर मौके पे कोई सीनियर अफसर अभी नहीं पहुंचा और मॉब के सामने अचानक ये आ गए हैं तो वो ये सिर्फ डिफेंसिव रहते हुए अपना बचाव करते हैं, उसमें इनकी टेक्निक्स हैं और डिफरेंट चीज़ें जो अभी आप देख रहे थे, सही हो गया। उसके बाद जब हमने उस मॉब को डिस्पर्स करना होता है तो फिर ज़ाब्ता जो हमारा कानून है वो बताता है कि वहाँ मौके पर जो SHO हैं डिवीज़न के जो सर वहाँ के इलाके के या सर्कल के STPO या जो डिवीज़न के SP साहब हैं वो आएंगे और वो फिर इनको हुक्म देंगे जिसके मुताबिक फिर उस फोर्स जो है वो एक्ट करती है और उसको डिस्पर्स करती है मॉब को। जी नाज़रीन, ये हमारे साथ RI मोहम्मद महफूज साहब मौजूद थे जिन्होंने हमें बताया कि कैसे जो है ये डिप्लॉय होती है, इनको ऑर्डर्स कहाँ से आते हैं, मौके पर इनका जो है वो सीनियर अफसर कौन होता है, वो डायरेक्शन देता है तो उसके अकॉर्डिंगली ये चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं SP एंटी रॉयड मलिक जमील जफर साहब, आइए इनसे पूछते हैं कि एंटी राइट फोर्स किस तरह से काम कर रही है और मज़ीद इस तरह के सवालात को लेकर इनसे जो है वो बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर मुझे काइंडली ये बता दीजिए कि जो एंटी राइट फोर्स है ये सबसे पहले ये कब वजूद में आई और इसका जो है बुनियादी मकसद क्या था? एक्चुअली चूँकि अब जैसे हम देखते हैं कि नो दिस इज़ द टाइम ऑफ स्पेशलाइजेशन, हर चीज़ में अगर आप मेडिकल साइंसेज की तरफ चाहें तो वहाँ पर भी स्पेशलाइजेशन की तरफ आप जाते हैं। यू विल नेवर गो टू अ GP या जनरल प्रैक्टिशनर के पास अब कोई भी नहीं जाता,
अगर आपको तो ईएनटी का इशू है तो आप उसके स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, स्टमक का इशू है तो आप गेस्ट्रो के स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। नो, इट्स टाइम फॉर स्पेशलाइजेशन। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलाइजेशन की तरफ नहीं जाएगी वो कम्प्लीट नहीं कर सकती। तो AIF इज बेसिकली अ स्पेशलाइजेशन, दे आर द स्पेशलाइज्ड पीपल विच आर मेंट टू कंट्रोल मॉब्स। अब इसकी नीड कैसे आई, तो वो लर्न विद एक्सपीरियंस। एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन की ये स्पेशलिटी होती है कि वो अपने तजर्बात से सीखती है। तो लॉ एंड ऑर्डर के डिफरेंट इश्यूज हुए, उसमें हमने सीखा, हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने ये चीज़ देखी, स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट सामने मॉरल डाउन और इस तरह के दूसरे जो वाक़ियात थे, उनसे हमने ये सबक सीखा कि जो मॉब कंट्रोल है इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड इशू और इसके ऊपर एक स्पेशलाइज्ड रिस्पांस होना चाहिए। सर, यही आपका सवाल को थोड़ा आगे प्रस्यू करूँगा कि ये एक बिल्कुल नई फोर्स है गालबन, और मेरी जानकारी के मुताबिक 2017 में सोलह दिसंबर 2016 में जो है इस फोर्स का जो है वो इनकार हो गया था, और ग्राउंड पे मेरा ख्याल 2017 में आई थी। जी, तो ये कैसे जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को मज़ीद बेहतर से बेहतर कर रही है? एक्चुअली देखें, इशू ये है कि जब आप पुलिस रूल्स को पढ़ते हैं तो वो हमें बताता है कि इन केस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर यू हैव टू यूज प्रोपोर्शनेट फोर्स। सही, कि जितना रिस्पॉन्स है, जितना एक्शन है मॉब की जानब से, उतना ही रिएक्शन होना चाहिए। सही। और सेकंडली, इससे पहले ये होता था कि जो थाने की पुलिस थी वो रिस्पॉन्स कर रही थी लॉ एंड ऑर्डर को भी, कहीं सड़क बंद हो गई है तो थाने की ही SHO साहब अपनी नफरी लेके आगे लाइन से कोई रिजर्व चलेगी, एंड अमूमन वो जो रिजर्व हम भेजते थे वो मुसल्ला होती थी, दे यूज टू कैरी वेपन्स विद देम, और उसके फिर हमने प्रिकॉशंस देखे, वेपन्स चल पड़े, फायरिंग हुई, कैजुअलिटीज हुई, और इट ब्रॉट अ वेरी बैड नेम टू पुलिस डिपार्टमेंट। तो फिर हमने कहा कि हम स्पेशलाइज्ड ऐसे लोग रखें हु विल यूज़ नॉन लीथल फोर्स दे डोंट कैरी वेपन्स विद देम, उनके पास वेपन्स नहीं होते, अगर होंगी तो जस्ट सिंपली पेंट गन्स होती हैं। सर, हाल ही में, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, हाल ही में कुछ सर ऐसा वाकया जो कि एंटी राइड फोर्स ने कवर किया और बड़े ही अहसन तरीके से कवर किया? अगर तो हम बात करें इनकी सक्सेस स्टोरीज की तो एक प्रोग्राम कम पड़ जाएगा, दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब, और कहीं पे भी आप देखेंगे सेंस जो हमारा वो वाक्य हुआ था मॉडल टाउन के बाद, उसके बाद कहीं पे भी आपने नहीं देखा कि मॉब की कंट्रोलिंग 2017 से ऑनवर्ड आप देख लें, कहीं पे भी मॉब हैंडलिंग में पुलिस की तरफ से कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। तो ऑल क्रेडिट गोज टू एंटी राइड फोर्स, एंड विद द यूज ऑफ नॉन लीथल फोर्स ये मॉब को कंट्रोल करने में भी कामयाब हुए, जलाओ घराव भी इन्होंने नहीं होने दिया, सरकारी अमलाक को या प्राइवेट अमलाक को नुकसान भी नहीं होने दिया, और मीन वाइल इन्होंने बंदे अरेस्ट भी किए। कोई भी वाक्य हो, आप लॉ की हिस्ट्री में देख लें, अगर आप आज के दिन में बात करें तो आज भी वह फसादा जो है वो मॉल रोड पर मौजूद हैं, और एंटी राइड फोर्स उनके साथ साथ चल रही है, उनको कंट्रोल्ड डिमॉन्स्ट्रेशन करवा रहे हैं वो लोग, एट टाइम्स सिंपली शो ऑफ फोर्स के साथ, शो ऑफ स्ट्रेंथ के साथ, और यूजिंग नॉन लीथल वेपन्स के साथ, जो एक मैसेज देना होता है मॉब को, जो मॉब को कंट्रोल करना होता है विद द हेल्प ऑफ बैटन्स, स्टिक्स, शील्ड, पेंट बॉल गन्स, वाटर कैनन्स, ये बेसिकली ड्यूटी है आरएफ की, कि हम कोई वेपन यूज़ नहीं करते, कोई गन यूज़ नहीं करते, लेकिन फिर भी बड़े से बड़े मॉब को अलहमदिल्ला लोगों ने। थैंक यू सर। जी, ये थे हमारे साथ SP एंटी रॉयड फोर्स, जो कि हमें एंटी रॉयड फोर्स के बारे में बता रहे थे कि कैसे काम करती है और किस तरह से ये मुजाहिरीन को हैंडल करती है, और जिस तरह से इन्होंने बताया कि 2000 ऑनवर्ड से अब तक कोई ऐसा वाकया पेश नहीं आया जिसमें एंटी रॉयड फोर्स ने अच्छे तरीके से काम ना किया हो, मैंने भी नहीं देखा, हो सकता है कि आप लोगों ने भी ना देखा हो, और इस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, इनके हौसले बुलंद रहें। इसके साथ साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मैं ज़ुबैर शारिक, सेफ़ रहिए सेफ सिटी के साथ, अलविदा।